सबसे पहले तो मैं हमारे माध्यम से मेरे सारे कुपवाड़ा के भाई बहनों को शीन मुबारक कहना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं, बर्फ़ का मौसम जो है वो हमेशा से मैं समझता हूँ कि दिक्कतों से पहले वो खुशी लेके आता है। किसान भाइयों के लिए, फसलों के लिए ये एक अच्छा मौसम लेके आता है, अच्छी उम्मीद लेके आता है। दूसरी बात, जो क्लियरेंस ऑपरेशंस के आपने की है, तो आप जानते हैं कि कल दोपहर जब बर्फबारी शुरू हुई तो इमीडिएटली 3-4 बजे के आसपास हमारे सारे ऑपरेशन शुरू हो गए थे। कई सारे इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन तभी से शुरू होते जो दूर दराज के हमारे इलाके उनमें। कल शाम को वटाइन में आप जानते हैं कि कुछ वहाँ पे कोहरा जमने की वजह से कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई, तो उनको भी इमीडिएटली जो हमारे ऑपरेशंस जो व्हीकल्स हैं उनको भेज के क्लियर करवाया गया वहाँ पे, क्योंकि स्लोप एरिया ज़्यादा है इसलिए स्लिपरी कंडीशंस नेचुरली बहुत ज़्यादा बनती है। बाकी तौर पे तकरीबन हमारे 70% जो भी लिंक्स हैं वो सारे खुले कर दिए गए हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो रेडी थे क्योंकि रात में भी बर्फबारी काफ़ी हुई है, और जो अभी बचे कुचे हैं वो इमीडिएटली 1-1.5 घंटे के अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हमारा फुली पूरी तरीके से फंक्शनल है, और ये मैसेज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब जगह पे सर्कुलेट भी हुआ है। अगर आपको किसी भी एरियाज में आपके पास दिक्कत है तो उसमें आपके बकायदा तहसीलदार के नंबर, SHOs के नंबर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर्स है। फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो आपके तहसील में तहसीलदार का रहेगा, SHOs का रहेगा, तो उनको रब्ता करके इमीडिएटली अगर आपको कहीं पर किसी भी चीज़ की अड़चन है तो उनको आप कॉल करके अपना इसका ग्रीवेंस का हवाला दे सकते हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में मैन एंड मशीनरी अवेलेबल है, वो मैन एंड मशीनरी जो है वो आपके क्लियरेंस के लिए या आपको किसी भी मुश्किल से निकालने के लिए मदद करेगी।